दीपक गोस्वामी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम धर्म, कला और साहित्य का जो महोत्सव है ज्ञानम, उसको हम लगातार करते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते इस वर्ष हम वर्चुअल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप सभी हमारे साथ इस समय शामिल हैं, जिसमें देश के जाने माने संत, महात्मा, कला और साहित्य से जुड़े लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनके विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे ज्ञानम महोत्सव का हम उद्घाटन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं जाने माने संत संवित सोमगिरी जी महाराज, जो कि महंत हैं शिवबाड़ी बीकानेर के, और आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आपका नाम ही काफी है। संवित सोमगिरी जी महाराज, आपका ज्ञानम महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। हरिओम। सबसे पहले हम लगातार बात करते हैं धर्म के बारे में, हम धर्म के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। बहुत से संत महात्मा हैं, बहुत से साहित्यकार हैं, कलाविद हैं, जिन्होंने धर्म को अपने अपने रूप में परिभाषित किया है, अपने अपने तरीके से उन्होंने धर्म की परिभाषा को रखा है। हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, स्वामी जी। धर्म एक अनिर्वचनीय तत्व है, यह ब्रह्म की शक्ति है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति रूप। इसलिए सत्कर्म, सद्भावना, सच्चिंतन या सद्बुद्धि, वॉल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन जी, यह व्यष्टि के स्तर पर अपने आप में एक हार्मनी में होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और अपने से इतर जो कुछ भी है, सजीव निर्जीव, उसके साथ में लयान्वित होता हुआ और फिर उस परब्रह्म के साथ एकाकार होने तक ले जाए, जिसके लिए मैंने कहा मम साधर्म इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। जिस ज्ञान की चर्चा भगवद गीता में जी 13वें अध्याय तक की और 14वें अध्याय में की, त्रिगुणातीत होने के लिए, तो मेरे से एकाकार हो जाए, वहां तक ले जाने वाली शक्ति है, वह धर्म कहलाती है। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आम लोग जो चाहते हैं वो धर्म को अपनाना चाहते हैं, लेकिन धर्म को कैसे हम उतारें, धर्म को अपने जीवन में कैसे लगाएं, उसका क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका है कि हमारे समाज में श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनकी प्रतिष्ठा हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, उनका आदर हो, वे संगठित हो, और फिर शास्त्र की परिभाषा देने वाले अपने जीवन में शास्त्र को उतारते हुए ब्रह्मनिष्ठ लोग हों, और ब्रह्मनिष्ठ होने के पूर्व उनके अंदर भक्ति हो, पराभक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को देख करके और शास्त्र की प्रतिष्ठा करके हम लोगों को इस धर्म के मार्ग पर लगा सकते हैं। मैंने सत्कर्म, सद्भावना, सद्बुद्धि, सन्मार्ग, सद्ग्रंथ, सत्पुरुष, सज्जन, सन्नारी, ये सारे बताइए। सत क्या है? राम नाम सत्य है, ये बताते अंत में बोलते हैं, इसलिए सब कुछ सत के अनुसार। सत इज द कंप्लीट हार्मनी, टोटल हार्मनी, होलिस्टिक जिसको कहते हैं। तभी हमारे साहित्य में, कला में, दर्शन में, जीवन के हर क्षेत्र में एक ऐसी अभिव्यक्ति होगी जिसके अंदर हमारा अलगपना विगलित होता चला जाएगा, चैतन्य और जड़ की ग्रंथि टूटती चली जाएगी, पिघलती चली जाएगी, तनु होती चली जाएगी और अंत में समाप्त हो जाएगी, और एक अखंड अविभाजित चैतन्य जो आनंद स्वरूप है उसका अनुभव होगा। स्वामी जी, हम देखते हैं वर्तमान समय में शस्त्र और शास्त्र दो चीजों की हम बात करते हैं, एक तो शस्त्र की और एक करते हैं शास्त्र की, लेकिन हम इस समय देखते हैं कि लोग शास्त्र में कम भरोसा कर रहे हैं लेकिन शस्त्र के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो हम क्या माने कि शस्त्र हमको पहले लेना चाहिए या पहले शास्त्र का ज्ञान लेना चाहिए? यहां पर एक प्रजातंत्र की बात है, प्रजातंत्र का आज जीवंत मूल्य हो गया है। अगर प्रजातंत्र के सभी घटक हमारी शाश्वत संस्कृति के जीवन दर्शन को अपनाएगी तो यह आपस में संशय हट जाएगा, पहले कौन। शांति के समय में शास्त्र आगे रहना चाहिए जी, और जब हम पर आक्रमण हो रहा हो अंदर से और बाहर से तो शस्त्र आगे,
आगे आना चाहिए, पुरुषास्त्र के द्वारा संचालित होना चाहिए, उग्रता व्यग्रता इसके द्वारा बदले की भावना से नहीं, कर्तव्य समझकर। हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि धर्म के को सर्वोपरि माना गया है। धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसके बारे में आप रोशनी डालें, हमारे लोगों को समझाएं। सबसे बड़ा अधर्म है अपने आप को कर्ता भोक्ता ज्ञाता, जो चित जड़ ग्रंथि है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता ज्ञाता के रूप में प्रकट करती है, उसको दृढ़ करते चले जाना, ये सबसे बड़ा पाप है जी। इसलिए भगवान ने अर्जुन के इस मोह का निवारण किया अपने विश्व रूप को दिखा करके और कहा निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। तो वहां तक जाने के लिए हमको सन्मार्ग को अपनाना पड़ेगा, शास्त्र को, महापुरुषों को अपनाना पड़ेगा। महाजना येन पथ संग धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, महाजनों येन गतस्य पंथा। तो धर्म के बारे में निर्णय करने के लिए वेद हो चाहिए, महापुरुष होने चाहिए, आचरण करने वाले साधु पुरुष होना चाहिए और साथ के अंदर आत्मनः तुष्टि रे वचन, हमारी अंतरात्मा की तुष्टि। पर वो दुर्योधन वाली तुष्टि नहीं, युद्ध कहते मैं धर्म को जानता हूँ, पुरुष का आचरण नहीं कर सकता, अधर्म को जानता हूँ पर मैं उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा जगत में आसुरी संपत्ति वाले लोग भी होंगे, वो यज्ञ आदि भी करेंगे पर उनसे उनका अहंकार दृढ़ होता चला जाएगा, वो ईश्वर से विमुख होते चले जाएंगे और वो समाज की सज्जन शक्ति के ऊपर आक्रमण करेंगे, संगठित होकर आक्रमण करेंगे, भयानक अस्त्र शस्त्रों का आक्रमण करेंगे, कोरोना के द्वारा आक्रमण करेंगे, जिसको जैविक हथियार के रूप में करेंगे, उसके विरुद्ध में हमको धर्म के तत्व को समझना चाहिए। धर्म इसका प्रतिकार करने के लिए हमेशा हमारे सामने उपासना को रखता है, आचरण को रखता है, तप को रखता है, यज्ञ दान को रखता है, पूरे पर्यावरण को रखता है। हम पर्यावरण के ऊपर आक्रमण पर आक्रमण करते चले जा रहे हैं विकास के नाम पर, इसको पाप कहें या मूर्खता कहें, अज्ञान कहें, क्या कहें। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसके बाद इमोशनल प्योरिटी एंड द इक्वानिमिटी। इसलिए कर्मयोग के तत्व को समझें और गृहस्थ में रहते हुए कर्मयोग करना ही चाहिए, वही हमको त्राण दिलाएगा इन सारी आपत्तियों से। जी, हम लगातार ये पढ़ते आए हैं, ये देखते आए हैं कि अहिंसा परमो धर्म, सिर्फ इन दो लाइनों पर हम चर्चा करते आए हैं, लेकिन उसकी आगे की जो पूरी लाइन है, यानी कि पूरा जो श्लोक है, उसके बारे में बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। तो हमको क्या अधूरा ज्ञान लेना चाहिए या फिर हमको पूरे श्लोक का पूरा ज्ञान लेना चाहिए? यहाँ पूरे श्लोक का पूरा ज्ञान लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, ये ऐसा है कि हमको उस जिस ग्रंथ में ये आए हुए हैं महाभारत आदि में, उसके पूरे प्रसंग को देखना चाहिए। जी, अहिंसा परमो धर्म तो जो सर्व कर्म का त्याग कर चुका है, निवृत्ति के मार्ग के ऊपर भी ऊपर पहुंचा हुआ है, उसके लिए कहा गया। यहाँ तक कि विवेकानंद जैसे लोग जो भी कोई त्रास देता है तो विवेकानंद ने अपने भुजा को, अपने बांह को, कपड़े को ऊपर हटा लिया और अपने भुजा के अंदर कैसी मसल से दिखा दिया। उसके साथ में कोई बदतमीजी कर रहा था, कोई गोरा, मैं ये नहीं कहता उसको थप्पड़ मारा उन्होंने, पर हमको समझना चाहिए कि धर्म का तत्व तो बड़ा गूढ़ है। तो अहिंसा परमो धर्म ये समाज का धर्म नहीं हो सकता। जब इसका अतिरेक हुआ तो हमारा देश के ऊपर आक्रमण के विरुद्ध में हम सशक्त होकर के मुकाबला उनका नहीं कर पाए, दुष्प्रभाव हो गया ना इसका। यहाँ तक कि मैं आपको दीपक जी कहना बताना चाहूंगा, जब हमने ये पिस्टल एंड राइफल शूटिंग का एक कार्य प्रारंभ किया तो हमारे एक तथाकथित गांधीवादी व्यक्ति ने कहा कि आप बच्चों में हिंसा के संकार जगा रहे हैं, उनको मालूम ही हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है। बिल्कुल, तो हमको दोनों ही चीजें देखनी, यानी कि पूरे श्लोक जो है उसका पूरा नॉलेज हमें ज्ञान होना चाहिए। जब धर्म की रक्षा हो तो अगर हम हिंसा भी करें तो वो गलत नहीं है। जी हाँ जी हाँ, इसलिए धर्म मन्यु एक शब्द है उसके लिए, धर्म मन्यु, मन्यु माने क्रोध, धर्म के अनुसार होगा। इसलिए शिव जी के उस चरित्र को देखो, भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्ध दो भूते शु काम उसमें भरतर्ष, पर दर्पित कंदर्प ने जब शिव के ऊपर तीर चला दिया तो भगवान शिव की तीसरा नेत्र खुला और उसी को दग्ध कर दिया। तो दर्पित कंदर्प को दग्ध करने के लिए हर युवक युवती में ये तीसरा नेत्र खुलने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए, ऐसे समाज में शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने चर्चा में बताया कि राम नाम जो है वो सत्य है, लेकिन हर व्यक्ति अंतिम समय के बाद में जब अंतिम उसके लिए ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य का जाप करते हैं। तो क्या हमको नहीं लगता कि राम का नाम हमें जन्म से ही लेना चाहिए? अंत में तो वैसे ही लेते हैं,
तो हम अगर जन्म से राम का नाम या कृष्ण का नाम, अपने ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दें तो क्या जीवन सुखमय नहीं हो सकता? जी हाँ, सुखमय हो सकता है। मैंने कहा राम सत स्वरूप है, राम चित स्वरूप है, स्वाम आनंद स्वरूप है। इसलिए तो मैंने उदाहरण दिया, जो सत शब्द है ना, इसका सही ढंग से हम अर्थ समझते नहीं है। समझे तो हमारे अंदर आस्तिकता आएगी, हमारे अंदर सौहार्द आएगा, हमारे अंदर सारे विकार, छुआछूत आदि सारे विकार हटेंगे, जो आपके दहेज प्रथा आदि और मृत्यु भोज आदि साहब सब प्रकार के आपके विकार हटते चले जाएंगे, हम सत को समझ जाएंगे। ये पहला कदम भी हम गलत कर रहे हैं तो चित कैसे समझ। इसे धर्माभास, भक्ति का आभास, ज्ञानाभास, हम तो आभासों में पलने वाले लोग हो गए, जीने वाले लोग हो गए। हम यहाँ पर लगातार कोशिश यही करते हैं हमारे ज्ञानम फेस्टिवल के माध्यम से कि हम समाज के उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, जो कि अपने धर्म से पथ भ्रमित हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि वो चाहे श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, चाहे रामायण के माध्यम से, या किसी भी हमारे सनातन के धर्म के माध्यम से वो धर्म की ओर लौटें। क्योंकि जब धर्म की ओर आम आदमी लौटेगा तो एक दिन हमारा भारत जो है वापस सोने की चिड़िया बनेगा। आप हमारे युवाओं को, सब लोगों को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज देखिए समित सोमगिरी जी महाराज, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम हमारी परंपराओं को, जो हमारी सनातनी परंपरा है, उसको भारत के लोग तो भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य लोग, जो विदेशी लोग हैं, वो उसको अपनाते जा रहे हैं। तो हम कहां जा रहे हैं आपकी दृष्टि से? जब हमारी शिक्षा नीति, हमारे जब विद्यालय, जो हमारे भारतीय शिक्षा दर्शन, जो कि हमारे व्यावहारिक जगत जीव और आत्म दर्शन, और जो कि हमारे पारमार्थिक दर्शन पर निर्भर है, उसकी उपेक्षा करेंगे तो ये परिणाम होगा। इसलिए हमारा धर्म जो है, जो एक चिर युवा शक्ति है, धर्म चिर युवा शक्ति, और युवाओं को सबसे ज्यादा वो अपील करेगा, क्योंकि धर्म एक युवा को क्रीड़ा करना सिखाता है, नाचना सिखाता है, गाना सिखाता है, एक बेस्ट प्लेयर बनना सिखाता है, एक बेस्ट पेंटर बनना सिखाता है, एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, हर क्षेत्र में उसको अनुप्राणित करेगा धर्म। इसे धर्म के तत्व को समझने की आवश्यकता है। मैंने बताया नहीं इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया मैंने, कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक ऑर्डर है, जो इररिफ्यूटेबल कॉस्मिक लॉ, इसका उल्लंघन नहीं है, जो वायलेट द कॉस्मिक ऑर्डर देन एंड देयर विल बी पनिश्ड। तो आप लाइए ऐसे ऑरामीटर्स को, ऐसे मशीनें लाइए क्रिलियन फोटोग्राफी को, और एक युवा को कहिए तुम आप विश्व के नियम को तोड़ करके दिखा, चाहे बंद कमरे में तोड़ करके दिखा, एक प्राणी को मार करके दिखा, इंद्रियों का संयम करके दिखा, और तुम्हारी ऑरा को नोट किया जाएगा, ऑरा नीचे चली जाएगी, वो ब्राउनिश हो जाएगी, ब्लैकिश हो जाएगी, उसके अंतःकरण में प्रेम करने की शक्ति कम हो जाएगी, एकाग्रता कम हो जाएगी, सूक्ष्मता कम हो जाएगी, शांति अनुभव करने की शक्ति हो जाएगी, सारे ग्लैंड सिस्टम में, सारे नर्वस सिस्टम में विकार आ जाएगा, उसका आंखों का तेज कम पड़ जाएगा, उसके ललाट के ऊपर तेजस्विता कम हो जाएगी, उसकी वाणी में के अंदर वह प्रगल्भता नहीं रहेगी, उसकी चार बदल जाएगी, क्योंकि वॉयलेट द कॉस्मिक ऑर्डर, और ये कॉस्मिक नियम का वो पालन करेगा और नम्रता पूर्वक करेगा और कर्तापन को धीरे धीरे ढीला करते हुए करेगा, विनय पूर्वक करेगा, उसी समय वो पुलकित हो जाएगा। क्योंकि हम जिस सच्चित आनंद की प्राप्त करते हैं, वी आर ऑल इमर्स इन एन ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्यूटी, वो तुरंत रेस्पॉन्ड करता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी तो वो विलंब नहीं करता। ये कहने के लिए कभी हम चल पड़ा होगा कि उसके यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं, ना देर है ना अंधेर है, उसी समय वो दंड देता है, उसी समय वो चुंबन करता है हमारे भाल का, सूर्य की रश्मि के द्वारा, वायु के द्वारा, वेद का मंत्र नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। तो हमारी ये जड़ दृष्टि की ये गलती हो गई, हमारा दर्शन के अंदर विकार आ गया, इसका हम निवारण करेंगे तो कौन युवा होगा जो अपनी बहन का अपमान देखेगा, उसके छेड़छाड़ करने वाले को जीता छोड़ेगा, अपनी माँ को, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को। इसलिए युवाओं का सीधे उनको यौवन का हम स्पर्श करें, कौन युवा और अधिक युवा नहीं होना चाहेगा, उनको समझाएं तभी तो, ऑब्जर्व तो करो यौवन को हर प्राणी के अंदर, एक स्वस्थ वन में कोई प्राणी जब युवा होता है तो उसकी चाल में कैसी त्वरा होती है, कैसी रिदम होती है, कैसा तेज होता है उसके अंदर, वो काल के प्रकृति के कारण होता है, पर मनुष्य की योनि तो अद्भुत है ना, उसको उस यौवन को समझना होगा और फिर अपने यौवन को चखना होगा। जब यौवन चख नहीं पाता कोई युवा, तो फिर वो गुटखे को चखता है, शराब को चखता है, नशे की तरफ जाता है, कुमार की तरफ जाता है। इसलिए उनके सीधे बुद्धि को स्पर्श करने की आवश्यकता है, और हमारा विज्ञान, आधुनिक विज्ञान की आधुनिकतम विज्ञान की उपलब्धियां, जो इंस्ट्रूमेंट प्योर साइंसेस की उपलब्धियां, इसमें हमारी मदद करते हैं। मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा महाराज कि इसमें हम जब एक तरफ लगातार युवाओं को दोष देते हैं कि युवा, आज का जो युवा है
वो पथ भ्रमिष्ट है, पथ भ्रष्ट है, वो दूसरे रास्ते पर जा रहा है। तो इसका दोष क्या सिर्फ युवाओं को है या फिर उस घर के, उस परिवार के बुजुर्गों को, उनके वहां के वरिष्ठ लोगों को भी, समाज के लोगों को है जो उनको धर्म का ज्ञान नहीं दे पाए? इसमें आप किसका दोष मानते हैं, क्या कारण है? सबसे ज्यादा दोष है धर्माचार्यों का, जो धर्माभास को, ज्ञानाभास को, भक्ति के आभास को फैलाते हैं। फिर हमारे नेताओं का है, सभी लोगों का, और फिर परिवार के अंदर जो लोग हैं उनका, खास तौर से साहित्यकारों का है, जो गलत गलत साहित्य देखते हैं कि ईश्वर तो मानव की कल्पना है, उल्टपटांग करते हैं, न उनके पास लॉजिक है, न उनके पास प्रमाण है, न कोई परंपरा है, न स्वयं की अनुभूति है। इसलिए सारे जिम्मेदार हैं, इसलिए युवाओं को दोष देना बंद कर देना चाहिए हम लोग। हाँ, उनको जगाना चाहिए, उनके यौवन को स्पर्श करना चाहिए। इसी कारण से अगर हम अमेरिका की, अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ स्टडी कर रहा था, उसमें अमेरिका के 70-75% जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस है उसमें श्रीमद् भगवद गीता को एक मैनेजमेंट के रूप में, प्रबंधन के रूप में पढ़ाया जा रहा है, जबकि भारत में इस तरह की शिक्षा आज की तारीख में भी नहीं दी जा रही। तो क्या आप मानते हैं कि भारत में हमारी शिक्षा पद्धति जो है उसको बदलना चाहिए? हमारी श्रीमद् भगवद गीता की जो परंपरागत जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है लाइफ का, वो हमें श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से सिखाना चाहिए? सबसे पहले जो शिक्षा में है, जो गुरु के ऊपर, शिक्षक के ऊपर राज्य सत्ता का डंडा हटना चाहिए। शिक्षा कभी भी राज्य सत्ता के अधीन नहीं, उल्टा उसको उपकृत करने वाली थी। समाज की शक्ति उसकी सेवा करती थी। गुरु सबसे ज्यादा पूज्य माना जाता था, वो वापस लाना पड़ेगा। इसलिए सारे ज्ञान के आधार में ब्रह्म विद्या है, इसको समझना, स्वीकारना पड़ेगा। उसकी स्फूर्ति, उसके प्रकाश, उसकी शक्ति के बिना सारी विद्याएं रावणीय विद्याएं होंगी। क्या रावण से बड़ा कोई साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट हो सकता है? पर उसकी दृष्टि में दोष, इसी के उसके भाव में दोष, क्रिया में दोष आ गए। इसलिए ब्रह्म विद्या, सर्व विद्या प्रतिष्ठा, हमको सारी जगह जगह पुनः से भारतीय शिक्षा पद्धति को, जिसको अंग्रेजों ने थॉरली स्टडी किया और उसको ध्वंस किया, विषयों को बदला, अपनी सत्ता के अधीन किया, गुरुओं को पेड सर्वेंट बनाया, वो सिस्टम अभी भी चल रहा है। केवल ऊपर ऊपर से कुछ प्रार्थना के मंत्र बोल दिए, कुछ यज्ञ हवन करवा दिया, ये भारतीय शिक्षा नहीं है, उसका एक दर्शन है। और भारतीय शिक्षा दर्शन, उसमें गुरु की एक परिभाषा है, वो जो सारे जगत में व्याप्त गुरु शक्ति है, उसका अंश लेकर को गुरु बनता है, ऐसे गुरु नहीं बनता है। तो वह जब सन्मार्ग पर चलने वाला होगा, तभी वो एक वास्तव में मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, किसी भी विषय का गुरु हो सकता है। लेकिन कनेक्ट करता है कॉस्मिक माइंड के साथ में, कॉस्मिक गुरु शक्ति के साथ में, और ज्ञान वहां से उतरता है। सारे ज्ञान का अक्षय स्रोत है प्योर कॉन्शियसनेस है। लेकिन सोमगिरी जी महाराज, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर एक ये भी है कि लगातार जो पुराने गुरु थे, आज की तारीख में उस तरह के गुरु बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो गुरु को किस तरह से हम देखें कि किस, कौन सा व्यक्ति गुरु बनाने के लायक है या कौन सा व्यक्ति शिष्य बनने के लायक है? यहाँ पर भी बहुत से विरोधाभास हैं कि मैं, अगर मुझे गुरु किसी को बनाना है तो मुझे उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण देखने चाहिए? यहाँ उस गुरु की बात नहीं हो रही जिस गुरु की आप बात कर रहे हैं। हमारी बात है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर ऐसे गुरु हमको ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे साहित्यकार, ऐसे सज्जन व्यक्ति। मैं डॉक्टर छगन मोहता का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने कौन से, यहाँ पर मैकाले पद्धति से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की थी हमारे बीकानेर के और पूरे भारत में। वो कितने बड़े मनीषी के रूप में, एक ऋषि के रूप में वो मान्य थे। तो आज भी हमको समझना चाहिए कि गुरु का वास्तव में, जो अपराविद्या के क्षेत्र में कह रहा हूँ, आपने पराविद्या के क्षेत्र की बात कर दी, उसकी तो बात छोड़ देना चाहिए। अपराविद्या के अंदर सबसे पहला गुरु तो माता है, तो सबसे पहले गुरु माता है। इसलिए पूर्व जन्म, तो हमारी क्या शिक्षा पद्धति पूर्व जन्म, आगे का जन्म, कर्म के सिद्धांत के अनुसार बनी हुई है? मैंने कहा ना, शिक्षा का एक दर्शन है, वो हमारे एक व्यावहारिक दर्शन पर आधारित होना चाहिए। तो हमारे हर ज्ञान के क्षेत्र में ये जो एक व्यावहारिक दर्शन है, जिसमें जीव जगत और ईश्वर अव्यक्त रहते हुए हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो उसको समझना होगा। उसके मूल में हमारा जो एक ब्रह्म दर्शन है या आत्म दर्शन है, जिसके लिए मैंने कहा अद्वैत दर्शन है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके अनुसार ही हमको सारे क्रियाकलाप, सारी अभिव्यक्तियां करनी पड़ेगी, अनुभूतियां करनी पड़ेगी। स्वामी जी, यहाँ पर मुझे एक सवाल और याद ये आ रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा गया है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, यानी कि गुण बड़ा है या कर्म बड़ा है, आप क्या सोचते हैं? अभी सवाल है, कर्म तो नवजात शिशु, उसमें क्या कर्म किया? पर उसने पिछले जन्म के कर्म किए थे, इसलिए पिछले कर्मों के पाप पुण्य के कारण उसके अंतःकरण की निर्मिति है, उसके अंतःकरण में गुणों का तारतम्य है।
तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, अब किसी में सत्वगुण का आधिक्य है, किसी में रजोगुण का आधिक्य है, किसी में तमोगुण का आधिक्य है, किसी के अंदर शुभ वासनाएं अधिक है, किसी में अशुभ वासनाएं अधिक है, इन सबको लेकर के विभाजन किया, पर उसको आप जन्म से नहीं स्वीकार करें, और खासतौर से वर्तमान युग के अंदर उसके प्रोपेंसिटीज को देखें, उसके क्षमताओं को देखें, उसको पहचान है, उसके लिए कुछ विज्ञान के टेस्ट है उसको करें, उसको करें। इसलिए आजकल ये फालतू में चार वर्ण की बातें करके जो वेमेन फैला रहे हैं उनको मालूम ही नहीं। द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, अपने बाहर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थ की दृष्टि से, कीर्ति की दृष्टि से, आविष्कार की दृष्टि से पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होता है यदि अपने स्वभाव को, स्वकर्म को, स्वधर्म को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, और साथ में वो निश्चय से परम लक्ष्य जो हमारा है, हमारे फॉल्स एंड फिक्टिशियस नोशन ऑफ सेपरेटनेस, एक अलग जीव भाव, उसको खत्म करने के लिए सबसे सुगम यह रास्ता होता है जब व्यक्ति अपने आप को सही ढंग से पहचानता है, स्वीकार करता है, उसके अनुसार वो जीवन को जीता है। तो इसलिए हमको सारी परिभाषाओं का जो कि शाश्वत परिभाषा है उनमें एक जड़ता आ गई है, उन जड़ताओं को दूर करना है, लक्ष्य को परिभाषित करना है, मार्ग खुलेगा, और वर्तमान परिस्थितियों में तो और भी सहजता से खुलेगा, जबकि प्योर सांसेज इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म बड़ा है या फिर धर्म बड़ा है? कर्म को ही धर्म कहते हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ईश्वर के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कर्म की, तो उस अपने आनंद का उच्छलन है उसका, पर उसके अंदर बताया कि जब तक अविद्या रहती है तब को हमको बताया वो कर्म सापेक्ष होकर की सृष्टि करता है, और कर्म करने की क्षमता मनुष्य के अंदर, जो सत्कर्म करता है उसको धर्म कह देते हैं, और जब सत्कर्म नहीं करता उसको अधर्म कहते हैं। सत्कर्म के साथ में सद्भावना है, सद्बुद्धि, तो अपनी क्रिया को, भावना को, बुद्धि को जब वो कॉस्मिक रेजोनेंस, उसी को सत्य कहते हैं, वो चिन्मय है, वो जड़ नहीं है और वो आनंदमय है, इसलिए आई एग्जिस्ट एंड आई नो दैट आई एग्जिस्ट भाई, आई एम मोस्ट लवेबल टू माई सेल्फ, यह अनुभव में नहीं आता है, इसलिए इस हार्मनी को लेकर करें, उसी हमारे कर्म करने को लेकर उस कर्म को कहते हैं ये धर्म कर्म है, हमारे बाहर के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ाएगा और हमारी आत्म उन्नति में बाधा भी नहीं, उल्टा अपने मार्ग को प्रशस्त करेगा, हमको इवॉल्व करेगा, इसी को हम धर्म कहते हैं। चलते चलते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे देश के युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैंने कहा दिस इज द बेस्ट पीरियड ऑफ देयर लाइफ, ये जीवन का वसंत है, इसके अंदर बाहर के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, इसे मोटिवेशनल फोर्स को उनको समझना चाहिए कि हाँ इस उम्र के अंदर सबसे अधिक आनंद को अनुभव करने की, सुख को अनुभव करने की शक्ति आती है, सुंदर भी होता है वो, सौंदर्य का उपासक भी होता है, प्रेम करने की शक्ति अधिकतम इसमें प्रकट होती है, ध्यानस्थ होने की शक्ति प्रकट होती है, जिसको कहते हैं ना, जिसको फूट करके निकलती है क्रिएटिविटी ऑन द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ऑल द लेवल्स, इसके महत्व को वो समझें वो, और इसका वो सदुपयोग करें और अपने दर्शन को स्पष्ट करें वो। मैंने अभी कहा यौवन एक तत्व है, वो एक पहाड़ में प्रकट होता है, नदी में प्रकट होता है, वो धरती में प्रकट होता है, हमारे पूरे बायोस्फीयर में, हमारे पूरे गैलेक्सीज के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में, वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं, और अगला एक वर्ष 100 वर्ष की उसकी आयु माने तो 50 वर्ष बीत चुके हैं, और वो 50 वर्ष के बाद में धीरे धीरे अब उसका और बढ़ रहा है, एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए यौवन एक तत्व है, इसको समझना चाहिए, वो समझें, और केवल उनको अर्थ और काम के द्वारा मोटिवेट न होने दें, हाँ उनको प्रेम, सुंदरता, आनंद, क्रिएटिविटी और एक स्वतंत्र, इन शक्तियों का प्रकटन करने के लिए उनको समझाएं कि बेस्ट अवसर है उनके जीवन के अंदर, केवल करियर के लिए, अपने कुछ रुपयों के लिए, अपने यौवन को बेच देने के लिए नहीं है। जो इस तरह की महामारी आती रहती है, 100 साल में एक बार आती है, जिस तरह अभी कोरोना चल रहा है, इन सब से निजात पाने के लिए हमें क्या उचित कदम उठाने चाहिए, क्या हमें हमारी जो पुरानी सनातन परंपरा है, क्योंकि आजकल देखिए हम घर में प्रवेश करते हैं उससे पहले जूते चप्पल बाहर खोलते हैं, हाथ पांव धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, ये हमारी सनातनी परंपरा है, अगर हमारा पूरा देश या पूरा विश्व अगर इस परंपरा को का निर्वहन वापस से करने लगेगी तो क्या हम इस तरह की परेशानियों से निजात पा सकते हैं? नहीं, मैंने कहा पहले समझ को ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसके लिए एक समष्टि संचित कर्म होता है, समष्टि प्रारब्ध कर्म होता है, समष्टि क्रियमाण कर्म होता है, और वो समष्टि का अर्थ एक परिवार भी होता है, समाज भी होता है, नगर भी होता है, राष्ट्र भी होता है, पूरा बायोस्फीयर भी होता है। पहले कर्म के सिद्धांत को समझें, हाँ एक प्रारब्ध कर्म, मुझे स्मरण होता है महात्मा गांधी के लिए, जब बिहार में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था तो महात्मा गांधी ने लिख लिया कि ये वहां पर छुआछूत होती है, इसके कारण अकाल पड़ा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके लिए कहा कि महात्मा जी इससे तो लोगों में अंधविश्वास फैलेगा, पर दोनों ही बातें ठीक नहीं है, हाँ
इस समय जो हम पापाचार कर रहे हैं, चाहे मनुष्यों को लेकर कर रहे हो, चाहे प्राणियों को लेकर के, चाहे अपने प्रकृति वनस्पति को लेकर, चाहे अपने नदियों पहाड़ों को, किसी को लेकर के जो विश्व नियम को तोड़ रहे हैं, उसका दंड उसी समय मिलता है, कालांतर में मिलता है। साथ ही हमारा अपराध मिस्टीरियसली व्यक्ति के स्तर पर और एक समष्टि के स्तर पर अपने आप को प्रकट करता है। तो ये जो महामारी प्रकट हुई है, इसमें हमारा खुद का एक समष्टि दुष्कर्म है। विकास के नाम पर जो हम करते ही चले जा रहे हैं, दुर्भाग्य से भारत में भी करते चले जा रहे हैं। जगह जगह सुरंगें लेकर के नदियों को बांध बना करके मोड़ रहे हैं कि कमरे में एक लट्टू जल जाएगा, कुछ समझते ही नहीं। तो विकास होता क्या है? प्रत्येक विकास होना चाहिए वो यज्ञमयी प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। तो मैं आपकी अनुमति मांग करके आऊँ, हमारे रुद्र के अंदर मंत्र आता है, अणिमा चमे महिमा चमे यज्ञ न कल्पनताम, शीशम चमे लोहम चमे यज्ञ न कल्पनताम। मैं कहता हूँ सुपर कंप्यूटरम चमे उपग्रहम चमे जेट विमानम चमे ब्रह्मोस मिसाइल चमे यज्ञ न कल्पनताम। यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा हम इसको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हासिल शक्तियां उसके द्वारा सज्जित हैं, पर वो यज्ञमयी प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ये कोरोना के लिए मैंने पत्र लिखा था कई महानुभावों को और कहा कि हमारे शास्त्रों में, अथर्ववेद में, दुर्गा सप्तशती में, तंत्रों के अंदर इन महामारियों को हैंडल करने के लिए, इन पर विजय पाने के लिए कितने अनुष्ठान बताए गए हैं। तो अनुष्ठान को करना चाहिए। और साथ में जो आपने बहुत सुंदर बताया था, इस प्रकार से हमारा शौचाचार का पालन किया जाता था, उसमें केवल फिजिकल लेवल नहीं था, साथ में वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, साइकिक ग्रोथ के लिए, वो उसके अंदर केवल बाहर के रिश्ते, क्योंकि हम केवल स्थूल शरीर नहीं है, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसमें एक प्रतिबिंबित चैतन्य है और उसके परे एक शुद्ध चैतन्य है जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा ना आती है ना जाती है, ना जन्म लेती है ना मरती है, वो तो आत्मा सो परमात्मा है। साधारण सी उक्ति हमारे गाँव गाँव में फैली हुई है, हम उसको खत्म करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको करें तो इस कोरोना के, मैंने कहा सारे एसी है उनको बंद कर दीजिए, यज्ञ विष्णु, यज्ञ विष्णु, हाँ जी हाँ जी, यज्ञ वे विष्णु। तो मैंने कहा सारे एसी बंद कर दिए, तुरंत जो आपका कोरोना है खिसकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी निष्काम कर्म किया जाता है तो तुरंत भगवान उसको स्वीकार करते, सारी सृष्टि पर उसके प्रभाव को प्रकट कर देते हैं। वो चाहे गांव के अंदर बर्तन मांजने वाला, बर्तन बनाने वाला, चाहे लोहार हो, सुथार हो, चाहे चमड़े का काम करने वाला, कोई भी हो, चाहे गृहिणी हो, निष्काम कर्म का प्रभाव तुरंत सारे ब्रह्मांड में फैलता है। नहीं तो सारा ब्रह्मांड कॉलेप्स हो जाएगा यदि अच्छे लोग नहीं हो तो। आपको कितने रुपए मिलते हैं ये दीपक महोत्सव मनाने के लिए? ये जो आपने ज्ञान महोत्सव मनाने, कितने मिलते हैं? कुछ स्वार्थ से कर रहे हैं आप लोग? अगर स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा है, ज्ञान महोत्सव को लेकर निस्वार्थ सेवा है। जी हाँ, ये निस्वार्थ सेवा का हम अर्पण करते हैं तो परब्रह्म बहुत ही प्रसन्न होता है, पुलकित होता है। गाय के पास में बछड़ा जाते ही गाय पावस जाती है, उसी प्रकार से सारा का सारा जो ब्रह्मांड है जिसको हम विराट कहते हैं, उसके पीछे हिरण्यगर्भ है, उसके पीछे ईश्वर है, ईश्वर ही हिरण्यगर्भ है और वही विराट है, वो पावस जाता है। मतलब चारों तरफ से शब्द स्पर्श रूप रस गंध हर स्तर पर सुख का वर्षण करता है, एक अनुकूलता को प्रदान करता है। तो इसलिए इन पर विजय पाने के लिए, कोरोना जैसी महामारियों के लिए हमको सारे करना चाहिए। ज्ञान महोत्सव, आओ चलें अध्यात्म की ओर, हमारा जो टाइटल है वो है आओ चलें अध्यात्म की ओर। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की ओर लाना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने संस्कारों के साथ अपनी परंपराओं को बचा सकें। इसके बारे में आपके आशीर्वचन क्या होंगे ज्ञानम फेस्टिवल के बारे में? जो शरीर को आत्मा मानते हैं उनका अध्यात्म अलग, जो इंद्रियों को आत्मा मानते हैं उनका अध्यात्म अलग, जो प्राण को ही आत्मा मानते हैं उनका अध्यात्म अलग, जो बुद्धि को मानते हैं उनका अध्यात्म अलग, और जो बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य को आत्मा मानते हैं और जीव जीव को अलग अलग मानते हैं उनका अध्यात्म अलग, और हमारा अध्यात्म है तो वो ब्रह्म और आत्मा की ब्रह्म रूपता को लेकर हम अध्यात्म को डिफाइन करते हैं। और इस अध्यात्म एनवेलप्स एवरीथिंग, वो आप इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, ज्ञान का कोई क्षेत्र है, उस ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या, विद्या नाम गीता में कहा, उससे परे नहीं है। इसलिए हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, गृहस्थ में जाना, संतान को प्राप्त करना, युद्ध करना, सब कुछ अध्यात्म होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद स्वामी सोमगिरि जी महाराज। उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस उद्घाटन सत्र के सेशन में सोमगिरि जी महाराज को आप सभी ने सुना होगा और उनके आशीर्वचनों से आपको, हमको और पूरे समाज को निश्चित रूप से फायदा होगा। स्वामी जी, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपका भी बहुत बहुत आभार है जो आपने ऐसा अवसर दिया ईश्वर की आराधना का। ओम, आपका आशीर्वाद बना रहे। नारायण नारायण। City Live, a platform to sharing your thoughts.